हाँ दोस्तों नमस्कार, हम आए हैं बड़ौदा से 3 किलोमीटर दूर बसरा गांव में, जो कि प्रतापगढ़ से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। और दोस्तों आप देख सकते हो ये अमूमन मतलब 6.5-7 फीट के समथिंग है। अभी इसको छोड़ेंगे तो ये 7 फीट बता देगा पूरा। दोस्तों इसको बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं इसको रेड स्नेक, चूहे खाने वाला सांप, और इसने अभी चूहा खा रखा है बिल्कुल। और दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं दामन सांप, और कई कई बोलते हैं इसको घोड़ा बचा। दोस्तों ये बिना गलती किसी को बाइट नहीं करता है, लेकिन हम इसको गलत तरीके से पकड़ते हैं या इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तब जाके बाइट करता है। और ये अगर भूखा होता है तब काटता है, या गुस्सेल में होता है तब काटता है, या मद में तब काटता है, मतलब इसे काटने की बहुत सारी कंडीशन होती है। तो आप सबसे अनुरोध है कि सांपों को मारना नहीं, सांप प्रकृति का हिस्सा है, बिना गलती के किसी को नहीं बाइट करते, फिर कह रहा हूँ मैं आपको। तो बेजुबान जानवरों को मारे नहीं, क्योंकि अगर ये जीव अगर जिंदा है पृथ्वी पे तो हमारा अस्तित्व है। अगर हम इनको मारेंगे तो फिर क्या होगा, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा भी अस्तित्व खत्म होना ही है, क्योंकि एक के पीछे एक बने हुए सारे, ठीक है ना। अगर हम इनको मार देंगे तो घर में इतने चूहे और मेंढक हो जाएंगे, इतने कीटाणु खत्म हो जाएंगे ताकि हम खाना खाएंगे उसमें गिरेंगे, पानी पियेंगे वहाँ गिरेंगे, सोएंगे वहाँ आएंगे, कान में घुसेंगे नाक में घुसेंगे, मतलब परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे ये अनुरोध है सांपों को मारे नहीं, और इसके अंदर कोई जहर नहीं होता है, नॉन विनमस है, निर्विष है, बिना जहर वाला है। ये चूहे पे हाथ लगा तो ये क्या करता है कि चूहे खाता है, मेंढक खाता है, जिसकी वजह से मुंह के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अगर जहाँ काट लेता है वहां पर क्या होता है, निशान हो जाता है और घाव हो जाता है, वो घाव भरता नहीं और इन्फेक्शन होने लगता है, और समय पर अगर इलाज नहीं हो तो उस इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो जब कभी भी आपको कोई स्नेक बाइट करे तो आपको जिला अस्पताल जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, जहाँ पर सांपों का एंटीवेनम मिलता है, और एंटीवेनम मिलता है आपकी जान बच सकती है। और अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे और झाड़ फूक के चक्कर के साथ साथ में कुछ काढ़ा पीने के चक्कर में रहोगे तो आपकी जान जा सकती है। और लोग क्या करेंगे कि अंधविश्वास में रख के और आपको जिंदगी के साथ खेल खेलेंगे वो। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सांपों को मारे नहीं। और YouTube पे हमारा एक चैनल है प्रीति स्नेक सेवर, उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि लोगों को उचित जानकारी मिले, सही जानकारी मिले, और वो किसी के जीवन बचाने में काम आए। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये रहता है कि आपको इन सांपों से, इन जीवों से बचाना और इन जीवों को आपसे बचाना। इसी के साथ दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि इस सांप को कोई हल्के में न ले, इस सांप को कोई हल्के में न ले, ये आंखों के ऊपर बहुत जोर से बाइट करता है, आंखों के ऊपर बहुत जोर से बाइट करता है और अपनी आंखें फोड़ देता है, इतना खतरनाक बाइट करता है ये। तो आप सबसे अनुरोध है कि हल्के में न ले, और तो मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं करे,
केस में तो जेल में ही है कि वो भैया है जो उन्होंने पकड़ लिया, हमने पकड़ना ऐसा नहीं करे। हमारे पास इसकी ट्रेनिंग है, इसका प्रशिक्षण है और इनके बारे में गहन अध्ययन है। ठीक है, तो आप सबसे अनुरोध है कि सांपों को मारे नहीं, सांप प्रकृति का हिस्सा है और इसी के साथ में इसको हम रेस्क्यू कर लिए हैं। सारे गांव वालों की मशक्कत के साथ में काफी टाइम लगा, मैं घंटा पर हो गया है, सबका सपोर्ट रहा और बेजुबान जानवर को बचाया इन्होंने साथ में लेकर, तो आप सबका धन्यवाद है। इसी के साथ में इसको इसके अनुकूल वातावरण में लेकर रिलीज कर देंगे। आप बोलोगे वहाँ छोड़ देंगे, आप बोलोगे वहाँ छोड़ देंगे। और ये बार बार जो जीवन निकल रहा है इसको आप देख सकते हो, ये एक सेंसर इसके लिए, ये सेंस करता है कि सामने मेरा शिकारी कितना दूर है और मेरा भोजन कितना दूर है। बिल्कुल, अगर 1.5 किलोमीटर तक भी इसका भोजन होगा तो ये सेंस करेगा। एक चीज और देखो भाई, एक चीज और है, जो को अपना रिश्तेदार नहीं है और नहीं कोई अपना अंतिम इनकम आ रही है, एक चीज है, लेकिन फिर भी एक मानवता है कि जीवन बचाओ। ये नशा ब्लास्ट करते अंदर अंदर, अगर फ्लाइट पकड़े चेंज कर, कौन देख रहे हैं? देख दोस्तों, एक और देख सकते हो, जब भी बसेरा से रेस्क्यू करके लाए हैं हम, उसको भी देख सकते हो, ये भी चलाइए इसके अनुकूल वातावरण में। दोस्तों अगर आपको हमारा गाइड अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, प्रीति स्नैक्स को जय हिंद, वंदे मातरम।